वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो द बिस्किट बॉक्स चैनल। तो आज हम फिर से नया बिस्किट का रिव्यू लाए, पर इस टाइम हम लाए सुपर प्रीमियम क्वालिटी के बिस्किट्स। जो आता है आप सोच भी नहीं सकते वो ब्रांड्स आता है गाइस, पार्ले की तरफ से आने वाला प्लैटिना एडिशन गाइस, जो एकदम बहुत बड़े साइज के हैं, जो है मिलानो कलेक्शन। तो फ्रेंड्स अभी हम लाए, मैं बोला था ना मिलानो कलेक्शंस आएंगे बहुत सारे, उनमें से ये आया सेकंड मिलानो कलेक्शंस, और ये एकदम प्रीमियम क्वालिटी के बिस्किट्स है गाइस। एकदम इसकी प्राइसिंग भी बहुत प्रीमियम ही रखे हैं ये लोग ना। आप सोचोगे ये प्राइसिंग रहेगा 120 रुपीज, 100 रुपीज तो रहेगा, 150 चलो 150 मान लेंगे। नहीं गाइस, इसकी प्राइसिंग है 160 भी नहीं, 170 नहीं, 180 रुपीज का ये बॉक्स है गाइस। 180 रुपीस का ये बॉक्स है, और इसका वेट है ना, बहुत वेट है इसका गाइस। तो इसमें एक्चुअली इधर लिखे हुए ये प्योर चॉकलेट लिखे हुए, फाइनेस्ट चॉकोफिल चॉको रिच बिस्किट है गाइस ये, ठीक है। और ये एक्चुअली प्योर वेज है, ठीक है। ये बनते हैं तीन जगह पर, मेन पार्ले का महाराष्ट्र मुंबई, सेकेंड आता है राजस्थान अलवर के साइड, और एक आता है साउथ में आंध्र प्रदेश चित्तूर साइड। तो अभी इसके जान लेते हैं इसके कंटेंट्स अनबॉक्सिंग करने से पहले। तो इसमें आपको मिलेगा एनर्जी 533, अभी तक के एनर्जी इसमें सारे बोलते हैं इसमें सबसे ज्यादा है। आपको मिलेगा प्रोटीन 4.4, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे 64, टोटल शुगर मिलेगा 38 ग्राम्स, टोटल फैट मिलेगा आपको 28 ग्राम्स। तो इसको अनरैप करके अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं। तो उसके एकदम सील नहीं है कि ऐसा पैकेट खोलने के लिए, इसके मुझे ऐसे ही खोलना पड़ेगा। फ्रेंड्स ओ गाइस, कितने सारे बिस्किट है अंदर गाइस। अब एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट एक काउंट कैसे करेगा अब इसको, एक काम करता हूं मैं एक बाउल में ले आता हूँ, आपको पता चल जाएगा, मैं फिर काउंट करके बता दूंगा कितने पीसेस आते हैं इसमें। फ्रेंड्स इसमें आपको मिलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and last 19 and 20 पीसेस मिलते हैं आपको इसमें गाइस। तो फर्स्ट एक काम करते हैं, एक इसका एक कितना क्यूट सा एकदम प्रीमियम पैकेजिंग है गाइस इसमें। अभी काम करते हैं, इसको फर्स्ट एक खोल के देख लेते हैं अंदर से इसके लुक्स कैसे हैं, फिर आपको टेस्ट भी बताऊंगा इसका, प्रीमियम बिस्किट है ना गाइस। फ्रेंड्स अभी एक निकाल के देखते हैं गाइस, क्या ये बिस्किट एकदम, अभी मैं इतने सारे देखा हूं, ये इसका कलर है ना ब्लैक है गाइस, एकदम प्योर ब्लैक कलर है इसमें, एकदम फुल ऐसा लग रहा है एकदम प्योर ब्लैक कलर के इसमें बिस्किट आते हैं, ठीक है। अब इसके काम करते हैं, टेस्ट करके देख लेते हैं, फर्स्ट का स्मेल लेके देखते हैं कैसा आता है स्मेल। तो फ्रेंड्स फर्स्ट अभी मैं इसका स्मेल ले लिया हूं, अभी इसको फर्स्ट खोल के देखते हैं। मुझे ये चाहिए जो इसके पैकेजिंग के लिखे हुए, क्या चॉकलेट बहरा है इसके नीचे से, मुझे वैसा रिजल्ट मिल गया तो ये एकदम बढ़िया बिस्किट बोलूंगा, टेस्ट देख के फिर बताऊंगा, ठीक है। देखते हैं वो निकलता है कि ओ गाइस, इधर से तो पहले टूट गया है इसका, ऐसे ना मैं इतना खोल चुका गाइस, इसके अंदर मुझे अभी भी इसमें क्रीम नहीं मिला है। तो फर्स्ट इसका आउटर कवर टेस्ट करके बता देता हूं इसका, एकदम अलग सा ये गाइस इसका, बोलते ये बहुत ही अलग है अलग गाइस, मुझे लग रहा है अभी चॉकलेट खाऊंगा तो मुझे कौन सा फ्लेवर आएगा पता नहीं चल रहा। जिसका ये ना ये आउटर कवर है ना थोड़ा कड़वा सा स्टार्टिंग में जैसे आती है, एकदम नॉर्मल एकदम क्या प्रीमियम दिखता है, प्रीमियम तो है ही गाइस। जो अंदर वो जैसे फर्स्ट इंप्रेशन खाएंगे बिस्किट का फ्लेवर एकदम आता है, फिर लास्ट में आते थे थोड़ा सा कड़वा होने लग जाता है, जो अच्छा है मुझे पता नहीं, अच्छे लगेगा कोई पता नहीं, क्योंकि चॉकलेट का फ्लेवर आप फुल खाओगे ना तब बढ़िया लगेगा। अब इसको ऐसे खोल के देखते हैं गाइस, फिर से इसका इधर साइड निकलेगा गाइस, और इसको फुल ही तोड़ के देख लेते गाइस। ओ गाइस
मिल गया गाइस, जो उसमें सोर डिप था ना, वो अभी ऐसे रखेंगे तो एकदम फोटो में दिखता ही है एकदम। इसमें बोलते एकदम क्या, अब फर्स्ट एक काम कर, चॉकलेट का फ्लेवर इसको ऐसी चॉकलेट टेस्ट करके देखते हैं। ये तो अलग ही इसका चॉकलेट का फ्लेवर बोले तो, मैं अभी इसकी चॉकलेट देखा हूँ नॉर्मल एक अलग टाइप की चॉकलेट साथ में देखी है। अभी नॉर्मली अभी ऐसे गोल, अभी अलग अलग देश के अभी चॉकलेट आते हैं ना, वैसे इसका फ्लेवर आ रहा है इसमें, पता नहीं चल रहा है। जो मैं एक बनाया हूँ इस वीडियो, जो आप देखे होंगे, नहीं देखे हो तो वो कमेंट करना कौन सा बिस्किट है, और देखना वो बिस्किट जो आया है आउट इंडिया से, इंडिया से आउट है, वैसा है ना उसके चॉकलेट का फ्लेवर ना वैसा आ रहा है इसके अंदर फ्लेवर। तो एग्जैक्ट ऐसा नहीं बता सकता कि वो वैसा टाइप का फ्लेवर इसमें आ रहा है जो एकदम बढ़िया है। फ्रेंड्स अभी हम काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, जो आपको पता है ना एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट विथ बिस्किट। तो इसका सील तो फर्स्ट टाइम को तो खुल ही गया था गाइस, अभी क्यों नहीं खुल रहा है इसका सील। गाइस थोड़ा सा अंदर से ये टूट चुका है, खोलते थोड़ा सा अंदर से इधर से निकल चुका है, कोई बात नहीं गाइस, फिर भी हम टेस्ट करना ही पड़ेगा। इधर से लेते ग्लास पानी, इस बिस्किट का स्ट्रेंथ चेक करते हैं पानी में डाल के 5 सेकंड नहीं 10 सेकंड नहीं 15 सेकंड के लिए, क्योंकि ये हार्ड बिस्किट लगता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and last 14, 9, 15. तो इसमें से एकदम क्या येलो कलर का पानी निकल रहा है इसमें से पहले। गाइस टूट गया गाइस, एकदम इसके अंदर से एकदम चॉकलेट है ना, सो वो भी एकदम बिस्किट ही बन गया ऐसा लग रहा है इसके अंदर। देखिए अब इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। एकदम अब आ रहा है उसका फ्लेवर, थोड़ा सा इधर गिर गया गाइस, ठीक है। जो अभी चॉकलेट का फ्लेवर आता है ना, वो एक्चुअल में रियल से अभी वो आ रहा है गाइस मेरे मुंह में। जो अभी वो फर्स्ट में नॉर्मली ड्राई खाया था, लिटिल सा जो क्या उसमें जो वो चॉकलेटनेस का फ्लेवर था ना आ रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा था। इस बार जो फ्लेवर आया चॉकलेट का एकदम बढ़िया से आया, जो फ्लेवर वो चॉकलेट का फ्लेवर है ना, ऐसा लग रहा है डार्क चॉकलेट का जो फ्लेवर आता है ना अभी चॉकलेट खाते हो, पर नॉर्मल ऐसा नहीं कि डेयरी मिल्क के कोई भी अलग ब्रांड्स के रहते हैं चॉकलेट, उनसे सबसे बढ़िया डार्क चॉकलेट बोलते हो, ये मेरा फेवरेट बन चुका है। फ्रेंड्स अब मैंने बिस्किट को तो ट्राई कर चुका हूँ, एकदम मेरा रिव्यू बोलते एकदम बढ़िया सा फ्लेवर आ रहा है इसमें। जो मेरा फर्स्ट वो डार्क चॉकलेट का जो फ्लेवर है ना, एकदम वो फ्लेवर भी एकदम डार्क चॉकलेट एकदम हाई आता है उसमें, वो एकदम कैफीन एक्चुअली इसमें ऐड हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि डार्क चॉकलेट थोड़ा कैफीन ऐड करता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये, क्योंकि ये एक्चुअली बता दो इसका प्राइस, ये बॉक्स का 180 रुपीज है, कोई खरीदेंगे या फिर कोई नहीं, वो आपका तो है। जो आप कोई खरीदे होंगे आपका रिव्यू बताइए आपने हमारे कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा है, पसंद आया तो अच्छा लगा, नहीं पसंद आया तो फिर भी कमेंट करना कैसा लगा है, और आगे कौन से वीडियोस चाहिए मिलानो एडिशंस के ऊपर पार्ले प्लैटिना बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ऐसे नए वीडियोस लाएंगे, और ये बोलूंगा कि स्कूल में जाते शायद ये एक तो दे सकते, मैं खरीदूंगा जब ये फिर से आएंगे, जब ओनली इन लूज पैकेट्स में जब ऐसे आएंगे ना, मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको खरीदिए, जाइए नजदीकी शॉपिंग मार्ट में, तब लाइए आपका रिव्यू बताइए, ठीक है। सो अभी हमारा वीडियो खत्म हो रहा है, ये वीडियो भी जितना चाहे शेयर कीजिए, हमारे चैनल बिस्किट बॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी जो भी हमारे नए व्यूअर्स आए कंटेंट देख रहे हैं हमारे वीडियो, ये फर्स्ट वीडियो हो सकता है या फिर पहले भी देखे होंगे, तो सब्सक्राइब करके जाना हमारे चैनल, और आपके सपोर्ट से हम क्रॉस हो चुके हैं 1300+ सब्सक्राइबर गाइस, ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना, सो थैंक यू। फ्रेंड्स वीडियो खत्म होने से पहले कि अभी एक काम करेंगे, बर्थडे पार्टी रहते हैं उनमें अभी ऐसे चॉकलेट देते होंगे वो लोग, चॉकलेट क्यों चाहिए गाइस, एक प्रीमियम एडिशन का आप समझो कि इतना बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हो आप, तो एकदम प्रीमियम से एक बिस्किट मिल जाए, उसके अंदर एकदम फिल्ड एकदम प्रीमियम क्वालिटी का चॉकलेट भी मिल जाए, वो बच्चों को पसंद भी आए, चॉकलेट भी खा रहे एकदम प्रीमियम बिस्किट भी खा रहे, तो मैं रिकमेंड करता हूँ इसको लाइए, ठीक है, अपने बर्थडे पार्टी में, एक नहीं
पांच ले आइए, कितने चाहिए आपको उतने ले आइए ना। इसमें मिलते टोटल 20 पीसेस मिलते, 20 पैक्स मिलते हैं, तो एक एक बच्चे को भी देते हैं ना, तो एकदम बढ़िया लगता है उनको खाने में भी, टेस्ट में भी, और आपका रिव्यू बढ़िया ही रहेगा। ठीक है, मुझे पता है। तो मेरा वीडियो आता है जो मैंने बनाया अभी, मिलानो कलेक्शन हाइड एंड सीक प्योर चॉकलेट डार्क एडिशन। ठीक है, देख के जाना शार्प मॉर्निंग 8 o'clock एवरी टाइम 8 o'clock आता है, ठीक है, देख के जाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग फ्रॉम बिस्क्यूट बॉक्स। ले कर रहा तुझे थोड़ी देर।